दोस्तों वेलकम टू मिशन सीजल। मिशन सीजल पर हमने जो आलोचना शुरू की थी वो है भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो बंगाल के दो मेन एग्ज़ाम आने वाला है, एक है प्रीलिम्स 22 का जो है लगभग 19 जून इस साल फिक्स हो चुका है, राइट। ये एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है मेन्स 2021 का, ओके, जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुका है अगला महीना 20, 21, 22 और 24 तारीख, राइट, मई महीना का, राइट। तो मई महीने का अगले महीने जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए हमने शुरू किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन। तो यहाँ पर जो है डब्ल्यू बी सी जो पिछले साल का प्रिलिमिनरी पेपर हुआ था उसे शुरू किया है, और उसी साल का मेंस का पेपर भी इसके बाद ही शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बिकॉज़ इसके जो क्वेश्चन पेपर है इससे बहुत सारे चीज़ कॉमन भी आ सकता है और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, ओके। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू लिसन टू दिस डिस्कशन, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली डिस्कशन, दिस इज़ गोइंग टू वेरी हेल्पफुल, बिकॉज दे आर मे बी सम क्वेश्चंस कॉमन टू यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर एंड देयर मे बी सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस डिस्कशन ऑल्सो, ओके। तो आप अगर इसको मान के चले कि और एक बात, कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ये है जीएस पेपर, राइट। किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। तो आप कश्मीर से है, तमिलनाडु से हैं, आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ एक भी क्वेश्चन आपको कॉमन मिल गया तो आप बहुत फ़ायदा में रहेंगे। और यहाँ पर और एक चीज़, यहाँ पर हम कनेक्शन देके बता रहे हैं कि कैसे इसको याद रखना है, हम ओनली डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम ओनली डिस्कशन ही नहीं कर रहे, हम अब ये बता रहे हैं कि इसको आप कैसे याद कर सकते हो, कैसे आप याद कर सकते हो, ओके, कैसे क्या लॉक कर सकते हो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो, हाउ यू लॉक योर आंसर विथ योर क्वेश्चन, ओके, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैक्सिमम क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू गिव लॉकिंग सो दैट यू कैन रिमेंबर परमानेंटली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स, राइट। आने वाले एग्जाम में आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत बहुत, बिकॉज ये डिस्कशन ओनली डिस्कशन ही नहीं है जो मैंने इंग्लिश में बताया, ठीक है। इस क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कॉमन, कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसके रिलेटेड जो डिस्कशन चल रहा है उससे आपका कॉमन मिले, राइट। तो ये आप और पढ़ाई में आप कभी भी सेग्रीगेशन ना करें। खाने में आप ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ठीक है, बट पढ़ाई में आप कभी, जब तक आपका नौकरी नहीं लगता है अपने मतलब हिसाब का, तब तक आप कुछ भी ऐसा कुछ मिल जाए आपको पढ़ाई करने के लिए, जानने के लिए, तो आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है, आप ज़रूर पढ़ें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर, राइट, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा चैनल का जो टैगलाइन, आई कैन डू टैल इट, मोहम्मद अली साहब के तस्वीर के साथ, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा मान ले तो आपका ही फायदा होने वाला, बिकॉज आई कैन डू टैल इट, ये खुद को बिलीव करना, राइट, टू बिलीव इन योर सेल्फ सो दैट यू कैन डू वेल, यू कैन डू द बेस्ट इन योर लाइफ, ओके, यू कैन डू योर बेस्ट इन योर लाइफ, यही है बात और कुछ नहीं है। मेरे में बिलीव नहीं करना, अपने आप में बिलीव करना, अपने आप पर, राइट, अपने आप पर, यह है बात। अच्छा चले, पहले क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरिशन, राइट, इलाहाबाद हरिशन। तो हमने ये प्रोनाउंसिएशन का जो कनेक्शन ये हम लगा देते आपको, इलाहाबाद हरी। अब देखिए, हरी मतलब गड, भगवान, और यहाँ का जो मीनिंग है एबोड ऑफ गॉड, भगवान का स्थान या वासस्थान या घर, भगवान का घर। तो हरी एक भगवान है, राइट, हरी एक भगवान है। हरिओम नहीं बोलते आप लोग, हरिओम बोलते हो, राइट। तो ये कनेक्शन निकल चुका है, इलाहाबाद अबोड ऑफ गॉड। ये इसके साथ हमें ये क्वेश्चन भी याद हो गया कि कौन सी जगह को अबोड ऑफ गॉड कहलाता है, राइट, अबोड ऑफ गॉड कहलाता है। अच्छा एक सेकेंड, तो इलाहाबाद जो है, इसका मीनिंग है अबोड ऑफ गॉड, ठीक है। तो हरिओम, हरि भी एक गॉड है, राइट, हरि भी एक गॉड है। तो इसी के साथ आप कनेक्शन लगा लो, ठीक है। आगे कहता है कि प्रयागराज इज़ द एंशेंट नेम ऑफ इलाहाबाद और इलाहाबाद, ठीक है, एंड इज चेंज बाय अकबर इन 1575, इट वॉज रजिस्ट्रेशन एंड नॉट ए रीनेम। तो ये जो प्रयागराज है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेम, नॉट रीनेम, राइट। प्रयागराज इज ऑल्सो नोन एज त्रिवेणी संगम और संगम निगारी। तो ये सारे चीज़ देखो, कितने सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता लग गया कि इसको इलाहाबाद का जो मीनिंग है
वो है वर्ड ऑफ गॉड है, इसको त्रिवेणी संगम कहलाता है और संगम निगारी भी कहलाता है। और ये नेम चेंज नहीं है, ये जो एंशिएंट नेम था उसका रिस्टोरेशन है, राइट, वो है रिस्टोरेशन, वो है रिस्टोरेशन। तो ये है बात और कुछ नहीं है। चलिए आगे का अगला क्वेश्चन, हु वॉज दी चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2021। तो इस साल में कोरोना के वजह से किसी को नहीं बुलाया गया है, राइट, जैसे फॉरेन डिग्निटरीज को बुलाया जाता है हर साल, किसी न किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, लेकिन इस साल किसी को नहीं बुलाया गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, राइट। कोरोना वायरस के जो ये चल रहा था, वेव्स चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा ये हो रहे थे, तो इंटरनेशनल फ्लाइट भी बंद था। पर ऐसा है कि जो सरकारी अफसर है, सरकारी लोग हैं, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी फ्लाइट लेके जा सकते हैं, बट कोरोना के लिए किसी को भी नहीं इनविटेशन दिया गया है, राइट। चलो नेक्स्ट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब सूजन, इन्फ्लेशन मतलब सूजन। अब ये कौन सा सूजन है, ये चीज़ों का कीमत की सूजन, ठीक है, ये चीज़ों का कीमत की सूजन, जैसे कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस लेवल, कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो इस यहाँ पर क्या कहता है कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज द क्वांटिटिव मेजर ऑफ द रेट एट विच द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलना, ओके, 15 रुपये की चीज़ 30 रुपये में मिलना। जैसे श्रीलंका में अभी जो फिलहाल के हाल है, 700 रुपये के जी चिल्ली, ग्रीन चिल्ली 700 रुपये के जी। तो समझ लो यहाँ पर कितना है, हमारे बंगाल में अभी फिलहाल हो सकता है कि 30 से 40 रुपये पर के जी, राइट। तो वहाँ पर अभी 700 रुपये के जी वहाँ का श्रीलंका, तो इसमें कितना होगा, करीब 200 रुपये के आसपास हो जाएंगे इंडिया में, उससे भी ज़्यादा होगा लगता है, ओके। तो ये है इन्फ्लेशन, जो चीज़ों की कीमत उसको बढ़ोतरी कम से कम, मतलब ये बारी बारी से बढ़ने बढ़ना है, राइट, बारी बारी से बढ़ते रहना है, बड़ी बारी से बढ़ते रहना है, राइट। अच्छा, विच एनिमल वॉज पार्ट ऑफ सिंबल ऑफ नेताजी इस INA फ्लैग। तो ये दिख ही रहा होगा आपको, रॉयल बंगाल टाइगर, ओके, रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये है टाइगर है, इस ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग के जो एनिमल है, तो आपको दिख रहा है। ये मैंने तस्वीर इसीलिए लगाया कि आप ये तस्वीर के साथ क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट ये आपका तस्वीर आपके दिमाग में बैठे रहे और आप इसको साइड से देखिए। INA जो है, आज़ाद हिंद फौज, ये बहुत बड़ा महत्व रखते हैं भारत के जो ये इंडिपेंडेंस जो ये आंदोलन है उसके उसके लिए, राइट। तो उसी में जो फ्लैग्स में जो एनिमल रखा है वो तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता ही रहा, राइट। आगे कहता है कि द इंडियन नेशनल आर्मी INA आज़ाद हिंद फौज, लिटरली फ्री इंडियन आर्मी, वॉज एन आर्म्ड फोर्स फाउंड बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स कोलाबोरेटर्स एंड इंपीरियल जापान ऑन 1 सितंबर 1942 एंड सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया, राइट, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। इट्स एम वॉज टू इंश्योर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इट फॉट अलॉन्गसाइड जापानीज सोल्जर्स इन द लेटर्स कैंपेन इन द साउथ ईस्ट एशियन वर्ल्ड वार टू, राइट। तो वर्ल्ड वार टू के दौरान ये जो जापानीज फौज और इंडियन गवर्नमेंट का फौज है, मतलब आज़ाद हिंद फौज के जो सदस्य मेंबर्स थे, वो लोग लड़े थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध, जिससे कि इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता जो है उसको छीन सकें हम, छीन सकें हम, राइट, हम छीन सकें। अच्छा चलिए आगे क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंटिंग करेंसी नोट्स इन इंडिया। देखिए गवर्नमेंट के जो भारत सरकार का जो पर्स है, पैसे रखने वाला जो पर्स है, उसके रखवाले कौन है, कस्टोडियन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज यही सारे मनी का जो रिलेटेड कंट्रोलिंग अथॉरिटी यही है, मनी का रिलेटेड कंट्रोलिंग अथॉरिटी यही है। ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते, ये पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देते, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसे देते हैं। तो कस्टोडियन कौन हो गए, RBI हो गए, राइट। लेकिन एक रुपये के जो नोट्स है वो कौन छपाता है, वो कौन छपाता है, फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। तो एक रुपये का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दिए गए, फाइनेंस मिनिस्टर को दिया गया है, उसको एक रुपये छोड़ के बाकी जितने सारे हैं वो सभी RBI के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, ठीक है। कुर्नूल कुडप्पा कैनल इज टेकन ऑफ ऑन द फ्रॉम फॉलोइंग रिवर्स, ये है तुंगभद्रा रिवर्स, राइट, तुंगभद्रा रिवर्स।
तो फ्रॉम दी होना चाहिए था एक्चुअली, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, फॉर फॉलोइंग रिवर्स। ओके, तो तुंगभद्र रिवर, कुर्नूल कुडप्पा तुंगभद्र रिवर। ओके, कुर्नूल कुडप्पा तुंगभद्र रिवर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्याकर नंदी वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पालास डायनेस्टी। ओके, पालास डायनेस्टी, पालास किंग थे, तो पालास किंग। तो देखिए, यहाँ पर काल का जो क्वेश्चन आलोचना की गई थी वो है रामचरित और रामचरितम, राइट। राम के जो चरित्र है, जो रामायण है, वो संध्या में या शाम में आलोचना पाठ की जाती है, राइट। आलोचना मतलब पाठ की जाती है, तो उसी के लिए हमने कनेक्शन दिया संध्याकर नंदी। संध्या मतलब शाम, गाँव गाँव में नहीं बोलते शाम हो चुका है, संध्या हो चुका है, राइट। शाम भी मान लो आप, शाम में रामचरित अर्थात रामायण पाठ की जाती है। तो जहाँ पर रामचरित या रामचरितम होगा उसका लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। लेकिन जहाँ पर मानस होगा, जहाँ पर मानस होगा वहाँ पर दास आपको लगाना है, राइट। जहाँ पर मानस होगा वहाँ पर क्या लगाना है आपको? दास लगाना है। क्यों? क्योंकि रामचरित मानस जो है वो उसका लेखक कौन है? तुलसीदास। तो मानस और दास इसको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका याद हो गया, रामचरितम और रामचरित और रामचरित मानस, दोनों क्वेश्चन आपका रेडी है। यहाँ पर देखिए, अगर ये रामचरित या रामचरितम अगर नहीं भी आए तो रामचरित मानस जो है वो आ गया, तो आपको दिमाग में उसी टाइम घंटी लगेगा कि यस, मानस दास, मानस दास, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली इनकम सीलिंग फॉर कन्याश्री स्कीम इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इफ। देखिए, ये लड़कियों को दी जाती है, तो इसमें से कोई सा भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसीलिए नान ऑफ दीज है, राइट। तो ये जो स्कीम्स है इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, सो दैट आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा कि कौन से स्कीम में क्या क्या कंडीशन है, शर्त है, राइट। अच्छा, द हिंदी फिल्म पर्डमैन रिलीज्ड इन 2018 वॉज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू लाइफ स्टोरी ऑफ अरुणाचलम मुरुगानाथन। ओके, अरुणाचलम मुरुगानाथन। तो ये क्या है, एक ये औरत है। तो बॉलीवुड ने, इन्होंने क्या किया, देखिए, हु क्रिएटेड ए मशीन टू मेक अफोर्डेबल सैनिटरी टॉवल, सैनिटरी पैड्स। ओके, सैनिटरी पैड्स लड़कियों के लिए, राइट। तो ये एक बहुत मतलब सोशल वर्क है कि अफोर्डेबल कॉस्ट में सैनिटरी पैड, क्योंकि इनको तो बहुत ज़रूरत पड़ता है आज के दिन में, राइट। तो अफोर्डेबल अगर सैनिटरी पैड्स मिल गया तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है, घर की खर्चा बचेगा, राइट, घर की खर्चा बचेगा। तो ये पैडमैन मतलब इस पैड से ही, ये पैड्स जो है, जो पैड्स बोलते हैं हम, उस पैड से ही इस फिल्म का नाम रखा गया, पैड्स, पैडमैन। ओके, पैडमैन नाम रखा गया है। तो इसका जो इंस्पायर ट्रू लाइफ स्टोरी किसका है? अरुणाचलम मुरुगा नथम, अरुणाचलम मुरुगा नथम, राइट। नेक्स्ट, विक्रमशिला महाबिहार या बिहार जो भी बोले, फाउंडेड बाय धर्मपाल, धर्मपाल। तो क्या यहाँ पर कनेक्शन है? यहाँ धर्म जो धर्म होता है वो विक्रम होता है, धर्म रिलीजियन। ओके, धर्म 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 जो है वो क्या होता है? विक्रम होता है, विक्रम। ओके, ये है हमारा कनेक्शन, जिस जिसके तहत हमने याद रखा है, धर्म विक्रम होते हैं, धर्म रिलीजियन विक्रम होते हैं। विक्रम समझ रहे हो आप, बहुत बलवान, बहुत बलवान, धर्म है बहुत बलवान, राइट। तो इसी का, इसको हमने ऐसे याद रखा है कि ऐसे याद रखा जा सकता है। ओके, तो इसका फर्दर डिस्क्रिप्शन ऐसा है, विक्रमशिला वॉज इस्टेब्लिश बाई पाला एम्परर धर्मपाल 1783 to 820 AD रिस्पॉन्स टू सपोज्ड डिक्लाइन ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप एट नालंदा। तो नालंदा में जब ये स्कॉलर्स डिक्लाइन होने लगे, मतलब कमती होने लगी, तभी इन्होंने सोचे एक महाविहार बनाया जाए बंगाल में, राइट। अतिशा, अतिश दीपंकर जो भी है उनका नाम है, अतिशा या अतिश दीपंकर जो भी बोले, ही द रिनाउंड पंडित पंडिता एंड फिलोसोफर इज लिस्टेड एज द नोटेबल अवार्ड। ओके, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेस ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। तो जब ये सेन डायनेस्टी के टाइम इन्होंने आक्रमण की थी बंगाल, और लखन लक्ष्मण सेन जो है वो पिछले दरवाजे से भाग गए थे, ठीक है, कि इतने बड़ा आर्मी देख कर इनको डर लगे, तो उसी दौरान इन्होंने इसको तोड़ फोड़ दिए थे। ओके, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, राइट। नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय
ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमें ये आर्टिकल याद रखना है, ये तो हमें याद है ही कि हाई कोर्ट का जो जज है वो हाई कोर्ट का जज या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ये प्रेसिडेंट से ही नियुक्त की जाती है, लेकिन अंडर आर्टिकल विच 217, अंडर आर्टिकल 217 के तहत प्रेसिडेंट क्या करते हैं हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को या हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंटमेंट देते हैं, राइट। हाई कोर्ट्स के जज और जजेस को अपॉइंटमेंट देते हैं, तो हम आर्टिकल याद रखेंगे 217। विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर इज़ नोन एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखिए ग्रांड ओल्ड मैन मतलब बुजुर्गों को हम क्या कहते हैं, दादा भाई दादाजी कहते हैं, राइट। बुजुर्गों को हम क्या कहते हैं, दादाजी, दादाजी कैसे हो, या मोहल्ले वाला या गांव वाला, हाँ, या हमारे जान पहचान वाला जो भी है बुजुर्ग लोग होते हैं तो हम बोलते हैं दादाजी कैसे हो, ठीक है। तो ये ग्रांड ओल्ड मैन को क्या कहता है, दादा भाई नौराजी, नौराजी, ओके। तो ग्रांड ओल्ड मैन किसका नाम है, दादा भाई नौराजी। देखिए इनके तीन पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है, नोन एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, राइट, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। दो नंबर पॉइंट में क्या क्या कहला रहा है कि लिबरल पार्टी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो लिबरल पार्टी की तरफ से इन्होंने एमपी बने थे, और एशिया का फर्स्ट एमपी इन ब्रिटेन, एशिया का फर्स्ट एमपी इन ब्रिटेन। तो मान लीजिए बात कितनी बड़ी बात है, इंडिया से पहली बार, वो भी 1892-95। हिज बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में एक बार ना एक बार आते रहते हैं, हर एग्ज़ाम में एक बार ना एक बार आते रहते हैं, या प्रीलिम्स या मेंस, ओके, या प्रीलिम्स या मेंस, ओके। वेल्थ ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है इस तत्व को उन्होंने लिखे हुए हैं, इस ये जो मुद्दा है इसी के आधार पर ये बुक है, ये वेल्थ ऑफ ड्रेन, ओके। चलिए तो तीन पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये तीन पॉइंट जरूर याद रखें, और ग्रैंड ओल्ड मैन तो हमने बता दिया है कि कैसे याद रखना है इसको, राइट। हु रोट अमुक्त मल्लोदा, तो ये कृष्णदेव राय, ये तो आपको पता ही है, ओके। अब हमें याद रखना है कौन सा तेलुगु है, और ये जम्बावती कल्याणम ये संस्कृत में है, ठीक है। तो ये एपिक पोएम तेलुगु वाला पोएम जो है ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया है, अमुक्त मल्लोदा, ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया है एपिक पोएम, ये है एपिक पोएम। और ये जो जम्बावती की कला नाम, ये है संस्कृत ड्रामा, ये है संस्कृत ड्रामा, राइट, ये वाला है संस्कृत ड्रामा, ये वाला है संस्कृत ड्रामा, कृष्ण दोनों कृष्णदेव राय लिखी हैं। तो ये दो मेन चीज़ है कि अमुक्त मल्लोदा तेलुगु लैंग्वेज में है और कृष्णदेव राय ने लिखी है, और जो जम्बावती कल्याणम, कल्याणम जो है ये है एक ड्रामा जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। तो देखिए एक राजा हैं, उनको तेलुगु लैंग्वेज में भी आता था और संस्कृत में भी, ये पंडित थे जो दो दो बुक लिखे हुए दोनों अलग अलग लैंग्वेज में, राइट। अच्छा ये लंबा वाला है, आगे क्या कहता है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर, द विजयनगर एम्पायर इन द अर्ली 16th सेंचुरी, तो ये विजयनगर के एम्पायर थे अर्ली 16th सेंचुरी में। अमुक्त मल्लोदा ट्रांसलेट्स टू वन हु ऑफर्स द गर्लैंड आफ्टर वायरिंग इट्स देमसेल्व्स, जो मतलब पहनने के बाद जो माला है, माला पहनने के बाद दूसरे को ऑफर करते हैं, वो है अमुक्त मल्लोदा, राइट। दो नंबर पॉइंट में तो ये तो हमने बता ही दिया है कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, बेस्ड ऑन द जम्बावती ऑन ऑफ द 8 प्रिंसिपल क्वीन कंसर्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो लॉर्ड कृष्णा के जो 8 प्रिंसिपल क्वीन थे उनके उनमें से एक है। शी वॉज ओनली डॉटर ऑफ जम्बावन हु वॉज द बियर किंग, ओके। ही हैड असिस्टेड लॉर्ड राम इन द बैटल ऑफ अगेंस्ट रावण, तो रावण के विरुद्ध में जो युद्ध हुई थी राम जी के, तो उस बैटल में राम जी के साथ दिए थे ये। शी हैड नो चाइल्ड ऑफ हर ओन, अपन द इंसिस्टेंस ऑफ कृष्णा शी प्लेड टू लॉर्ड शिवा ही शी प्रेड टू लॉर्ड शिवा ही ब्लेस्ड देम विद ए सन कॉल्ड सांबा, तो जब प्रे किया है, ओके, कृष्णा ने इंसिस्ट किया है कि तुम शिवा का प्रार्थना करो, तो शिवा ने ये वरदान दी कि उसके लड़का हुआ जिसका नाम सांबा रखा है, ठीक है। ही ग्रू अप एंड मैरिड लक्ष्मणा, ओके, द डॉटर ऑफ दुर्योधन, तो ये बहुत का अच्छा कहानी है, आप कभी सर्विस मिलने के बाद पढ़े तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन गांधीजी इनिशिएटेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो जब सिविल डिसोबीडियंस हुआ तब
गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिविल डिसोबीडियंस के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड आरन। लॉर्ड आरन तो ये कितने साल पर हुए थे? 1931, राइट, 19 थे सिविल डिसोबीडियंस और 1930 सिविल डिसोबीडियंस, सॉरी 1930। तो यह है 1930, राइट, अरविन जब उस टाइम के गवर्नर जनरल थे सिविल डिसोबीडियंस, राइट, 1930। देखिए 1930 सिविल डिसोबीडियंस, इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो थ्री के बाद तो जीरो है, लेकिन रीजनिंग में थ्री का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू कितना है? थ्री। रीजनिंग में सी का वैल्यू कितना है? थ्री, राइट, रीजनिंग में सी का वैल्यू थ्री है। तो आराम से आप इसको याद कर सकते हो, बिकॉज थ्री के बाद जीरो है, उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, मतलब कहने के मतलब ये है, ठीक है, कहने के मतलब ये है। अच्छा, अगला क्वेश्चन में, अगला पार्ट में क्या बोल रहा है? यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमने ये ऐड की है दोस्तों, जो आपको बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा, राइट। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या करें, गांधी सेट आउट ऑन फूट ऑन फ्रॉम द साबरमती आश्रम अहमदाबाद 12 मार्च 1930 विथ 78। देखिए 78 जो मेंबर्स है इस प्रश्न में पूछा गया है, राइट, प्रश्न में पूछा गया है 78 है। कब शुरू किया था वो भी पूछा गया, कब ख़त्म हुआ, कब सॉल्ट जो लॉ है उसको तोड़ा गया, वो भी पूछा गया है, राइट, वो भी पूछा गया है। तो ये दो चार चीज़, कितने किलोमीटर, 385 किलोमीटर उन्होंने पैदल चले हैं, राइट, 385 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती आश्रम टू सी कोस्ट, राइट। गांधी जी ब्रोक अंडर द सॉल्ट लॉ देयर फॉलोइंग द डिफियंस ऑफ द सॉल्ट लॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट प्रोडक्शन स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो जो सॉल्ट का जो लॉ है उसको तोड़ा गया था, ओके, सॉल्ट का लॉ तोड़ा गया था कब? 6 अप्रैल 1930, राइट, उसी से जो लॉ के अगेंस्ट में जो ये है आंदोलन है वो शुरू हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस के दौरान कौन गवर्नर जनरल थे? अरविंद साहब, राइट, अरविंद साहब, ओके। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल, देखिए एनल और इनेबल बहुत ही अच्छी तरह से लॉक कर सकते हो आप, एनल 11, एनल 11, एनल 11, राइट, एनल 11। अब देखिए ये जो लॉर्ड हार्डिंस टू, इस टाइम में कौन थे? लॉर्ड हार्डिंस, हार्डिंस टू, देखिए 11 और जो रोमन टू ये दोनों बराबर लगता है, राइट, ये अगर 11 मान लो और ये रोमन टू मान लो, इसको 11 मान लो, ये रोमन टू इसको मान लो, उल्टा और सुलटा कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब प्रश्न ऐसा अगर आए लॉर्ड 1 2, तो लॉर्ड हार्डिंस 1 2 3 4, तो आप इसको याद कर सकते हो कि लॉर्ड हार्डिंस 2 1911 है, लॉर्ड हार्डिंस 2 थे, राइट। तो दोस्तों याद करने का जो तरीका है वो कम्प्लीटली हमने बदल दी है, राइट, कुछ क्वेश्चन छोड़ के जहाँ पर डाटा होगा, कुछ क्वेश्चन छोड़ के हमने सभी क्वेश्चन का हाल ऐसे निकाला कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा, राइट। तो देखिए ये एनाल 11 मतलब जो कब विड्रॉ की गई है और कोज किसके टाइम पे विड्रॉ की गई है ये भी आपको पता लग गया, किस कैसे आपको लॉक करना है। द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ए टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी इंप्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिटिश राज इन 1905। द पार्टीशन सेपरेटेड द लार्जली मुस्लिम ईस्टर्न एरिया फ्रॉम द लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरियाज ऑन 16 अक्टूबर 1905 आफ्टर बींग अनाउंस्ड ऑन 19 जुलाई 1905 बाई लॉर्ड कर्जन दी देन वाइसराय ऑफ इंडिया। तो वाइसराय साहब तब कौन थे? कर्जन। अब देखिए किसके टाइम में इसको बांटा, मतलब बांटा गया है, राइट, कर्जन काट दिया, यहाँ पर हमारे कनेक्शन था, कर्जन काट दिया, क्या काट दिया? बंगाल को काट दिया, काट के कितने पार्ट किया? दो पार्ट किया, राइट, ये जो कनेक्शन है ये आप कभी नहीं भूलेंगे, जो काट दिया, काट के दो पार्ट किया, किसने काटा बंगाल को, किसने काटा? कार्डजन ने काटा, राइट, काट के कितने पार्ट किया? दो पार्ट किया, राइट। ये देखिए जो ये एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही टेंशन प्रेशर रहता है, हमारे सभी एक जैसे लगने लगता है, मुझे ही नहीं सब कैंडिडेट को, वहाँ पर अगर आपके थोड़ी सी कनेक्शन ऐसे हो जाए कि बंगाल को काट के दो पार्ट किया, किसने काटा? कार्डजन ने काटा, राइट,
तो वाइसराय कौन थे? कार्जन साहब थे। कब इसको ये अनाउंसमेंट की गई? अनाउंस की गई 19 जुलाई 1905। कब इम्प्लीमेंट किया गया? 16 अक्टूबर 1905। राइट। और एनाल का तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। सरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। देखिए, सरावती इज द रिवर ऑफ कर्नाटका, फ्लोस एंटायरली इन कर्नाटका। इंडियाज फेमस जॉग फॉल इज क्रिएटेड बाई दिस रिवर। तो यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन का आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया कि जॉग फॉल सरावती रिवर में है। राइट, सरावती रिवर कर्नाटक में है, ठीक है, और एंटायरली कर्नाटक से अंदर से चलते हैं, ठीक है। और जोग फॉल जो है ये शरावती रिवर पर अवस्थित है, जो फेमस जोग फॉल है, इंडिया के हाईएस्ट जो माने गए अभी तक। राइट, तो ये दो तीन क्वेश्चन देखिए, ये आलोचना करने के बाद ये ना समझ ले आप कि नहीं ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, शायद कि कौन सी चीज़ कौन से एग्जाम में आएगा आपको पता नहीं है। तो आलोचना कर डिस्कशन के माध्यम से आप दो चार चीज़ें और एक्स्ट्रा जान ले, सो दैट साइड ट्रैक करके वो क्वेश्चन पूछे तो आपको पता लगे यस यही क्वेश्चन आलोचना की गई, ठीक है। हु कॉइंड द स्लोगन स्वराज इज माय बात राइट। देखिए, स्वराज 16 ये तो पता ही आपको, बाल गंगाधर तिलक ने ये जो स्लोगन दी है, और स्वराज जो है 16 का कनेक्शन हमारा है, स्वराज 16। और कब बोले? बेलगांव में बोले। कहाँ पर बोले? बेलगांव में बोले। देखिए, ये भी कनेक्शन लगा दिया हमने, ओके, ये भी कनेक्शन हमने लगा दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या क्या कनेक्शन लगाया, ये तो आपको पता ही है, स्वराज में बात राइट। अब कौन सी साल में बोले? स्वराज 16 में बोला गया, स्वराज 16 में बोला गया। कब बोला गया? बोला गया से बेलगाम, बोला गया से कब? स्वराज को 16 में कब बोले गए? कहाँ पर बोले गए? बेलगाम में बोले गए, राइट, बेलगाम में बोले गए, बोले गए, ओके, बेलगाम में बोले गए। तो बताइए कितना अच्छा कनेक्शन आपको दिया है, आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, राइट, आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए, साइड ट्रैक करके अगर पूछ लिया कौन से साल में बोला था, कहाँ पर, कौन से सेशन में बोला गया है, तो 16 में बोला गया है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, एंड कहाँ पर बोले गए? बेलगांव में बोले गए, राइट, बेलगांव में बोले गए। एक्का मोमेंट, व्हाट वाज एक्का मोमेंट? इज ए पिजन मोमेंट। एक्का मोमेंट वाज ए पिजन मोमेंट। देखिए, एक्का मोमेंट के बारे में और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, द एक्का मोमेंट वाज ए पिजन मोमेंट एंड सरफेस इन हरदोई बहराइच एंड सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग सीतापुर ड्यूरिंग द एंड ऑफ 1920। अब 1920 का वारिक विद्रोह जो है वो कौन सा? मोपला विद्रोह, राइट, जो केरल में हुई थी, राइट, केरल, मोपला रिबेलियन, राइट, ये तो आपको पता है। तो दो चीज़ आपको पता लग गया कि यहाँ पर दो चीज़ आपको, पिजन मोमेंट, एक का मोमेंट, पिजन मोमेंट, एक का मोमेंट के साथ साथ 21 में हुई थी। अच्छा, एक का मोमेंट 21 में हुई, एक का मोमेंट 21 में हुई, राइट, एक का 21। देखिए, यहाँ पर भी एक कनेक्शन हमने लगा दिया आपके, ये का मोमेंट कौन सा साल में हुई? एक का 21, एक का 21, एक का 21, राइट, एक का 21, ये तो पिजन मोमेंट, राइट। तो एक का मोमेंट 21 में हुई, और 21 में फिर से और एक विद्रोह कहाँ पर हुई? मोपला विद्रोह, जो केरल में हुई, राइट। 44, व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश? तो 1857 है इसका आंसर, 1857 है इसका आंसर। द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इनफॉर्मली नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एब्रिविएशन सीयू बोलते हैं इसको, इज कॉलेजिएट पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। इट वॉज इस्टेब्लिश 24 जनवरी 1857। तो 24 जनवरी 1857 में इसका इस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, तो 24 जनवरी 1857 इसको इस्टेब्लिश की गई है। आगे देखिए क्या कहता है, मल्टी डिसिप्लिनरी वेस्टर्न स्टाइल इंस्टीट्यूट इन एशिया, द फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी वेस्टर्न स्टाइल इंस्टीट्यूट इन एशिया, एशिया में फर्स्ट 1857, ओके। तो ये एक महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी एशिया का फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एंड वेस्टर्न स्टाइल इंस्टीट्यूशन, विच इज एस्टैब्लिश ऑन 24 जनवरी 1857। अच्छा, 45, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। 14 से 18 जो है राइट टू इक्वालिटी है, आपको पता है, और 18 स्पेशली 18 बोलता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल छोड़ के बाकी कोई भी टाइटल कोई भी आदमी को नहीं दी जाएगी, नहीं ले जाएगी, ओके, नहीं ली जाएगी किसी से भी, बाहर वाले देशों से भी अगर दी जाए तो नहीं ली जाएगी, राइट। तो ये एबोलिशन ऑफ टाइटल, जिसे कि इक्वलिटी बरकरार है, ओके, सभी में
ये ऊपर से लेकर नीचे तक सभी का इक्वलिटी बरकरार है। किसी भी आदमी को नीच समझना ये गलत बात है, ये कानूनत अपराध है, राइट, कानूनत अपराध है। इसलिए क्या किया गया है, इक्वलिटी ऑफ ऑल द रिलीजियंस ऑल द ह्यूमैनिटीज़ रखा गया है कि टाइटल नहीं ले जाएगी। ओके अच्छा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट इज़ द टर्म उलगुलन। देखिए यहाँ पर उलगुलन में यू से स्पेलिंग शुरू हो रहा है और मुंडा में भी एक यू है, राइट। बाकी जितने ऑप्शन हैं किसी भी ऑप्शन में यू का जो लेटर है वावल है वो नहीं है। तो हमारी कनेक्शन यही था कि उलगुलन को मुंडा के साथ रिलेट किया जाए। जो उलगुलन का यू का स्पेलिंग मुंडा में भी एक यू है उसी के साथ हम देखिए, ये जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे तो सुनते होंगे तो आप हंस रहे होंगे कि ये कैसा कनेक्शन है, बट एग्ज़ाम में यही आपको याद दिलाएगा भाई, यू का स्पेलिंग उलगुलान का यू से स्पेलिंग शुरू होता है और मुंडा में भी एक यू है जो उसके साथ कनेक्ट किया गया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था या थी, राइट। तो ये कनेक्शन आप मतलब पहली बार सुनने या देखने के टाइम ना हंसे बहुत, बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में बहुत प्रेशर रहता है, बहुत टेंशन रहता है, उसमें ये कनेक्शन आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत फ़ायदा देगा, राइट। तो उलगुलन मीनिंग इज रिवोल्यूशन, दिस वर्ड इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मेंशनिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द लेजेंडरी बिरसा मुंडा एंड हिज अनफॉरगेटेबल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन 1899 एंड 1900, ठीक है। तो उलगुलन क्या है, बिरसा मुंडा मुंडा रेवेलियन के बारे में कहलाता है, राइट, मुंडा रेवेलियन के बारे में कहलाता है। इन वेस्ट बंगाल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ए पी जेड इज फलता। देखिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग फलता, प्रोसेसिंग फलता, बाकी देखिए जो जितने ऑप्शन है फलता प्रोसेसिंग और फलता के साथ जो रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन किसी भी ऑप्शन में नहीं बन रहा है। और एशियाज फर्स्ट ई पी जेड इज कंडला 1965, ये तो आपको हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, राइट, ये आपको हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो है जो प्रोसेसिंग और फलता, इसका कनेक्शन हमने लगा दी है। और फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है, कंडला में, वो है 1965 में, राइट, 1965 में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो द, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये हम आलोचना नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला। अगला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइंस का, द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर बोट सेलिंग ऑन द वाटर आर ए ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, देखिए एक्चुअली दीज आर ट्रांसवर्स वेव विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो सर्फेस में क्या है, ट्रांसवर्स वेव। तो एस एंड टी का कनेक्शन हमने बता दिया था, एस सॉरी आर एस नहीं लिखा है, एस एंड टी, ओके, एस एंड टी, एस के बाद टी आता है। तो ट्रांसवर्स वाटर क्या है, सर्फेस में होगा, सर्फेस अगर लिखा है तो ट्रांसवर्स होगा, और इनसाइड क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल होगा। ये आप सुन लीजिए, कनेक्शन ले लीजिए, अंदर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कनेक्शन सुन लीजिए। सरफेस ऑफ वाटर क्या है, ट्रांसवर्स होगा, राइट, एस के बाद टी आता है, एस टी, सरफेस ट्रांसवर्स वेव। ये आप मान लीजिए दो ही चीज़, देखिए एक बार मैंने आपको बताया था ए और बी और सी और डी, इसमें ए और बी के साथ शादी हुआ है तो दो पेयर में सी और डी के साथ शादी होगा क्योंकि दो ही कपल है, राइट, दो ही कपल है। अगर आपको पता लगे ए के साथ बी के शादी हुआ है तो ज़रूर सी के साथ डी का शादी हुआ, बिकॉज चार ही लोग हैं, एक दो कपल है, दो पेयर कपल है, राइट, दो पेयर कपल है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, सरफेस वाटर में क्या है, ट्रांसवर्स वेव आता है। तो पानी के अंदर कौन सा वाला होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा। तो जब बोट चलता है तो दोनों वेव्स क्रिएट होता है, सृष्टि होता है, और सरफेस में क्या है, ट्रांसवर्स आता है, और पानी के अंदर क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है, राइट। इस सीरीज में लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ईयर में जो चार मेन टेनिस प्लेइंग होते हैं तो उसका एक कनेक्शन लेके हमने एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपका एग्ज़ाम से पहले, सो दैट चार ही पूछे जाते हैं। सपोज़ मई में एग्ज़ाम होगा तो मई के आगे पिछले साल का जो है, इस साल का जनवरी को लेकर पिछले साल का तीन मेन गेम्स को लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कनेक्शन देके बताएंगे कि इसको कैसे याद रखना है, राइट। ये जो चार गेम होते हैं साल में टेनिस का, ये चार गेम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें से एक ना एक पूछे जाते हैं, ठीक है, पिछले चार गेम, एग्ज़ाम से पहले पिछले चार गेम। तो ये हमारे कनेक्शन के जो लोगो है, टैगलाइन है, आई कैन डू इट आई विल डू इट, मोहम्मद अली साहब साथ, ठीक है। स्किल आपको गिरा सकता है लेकिन
मनोबल, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपको खड़ा करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए क्या है, मदद करेगा। बिकॉज दिस इज़ द विल पावर विच टेल्स दैट यू गेट अप एंड यू प्रिपेयर वेल नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट टाइम। हाँ, एक बार फेल हुआ ठीक है, दो बार फेल हुआ ठीक है, तीन बार फेल होना बेवकूफ़ी है दोस्तों। आपको शब्द खराब लगेगा बट तीन बार फेल करना बेवकूफ़ी है। आप अगर सीरियस है तो थर्ड टाइम आप फेल नहीं हो सकता है। आप साइकिल चलाना सीखने के लिए गए कितने बार, एक बार आपके घुटने छिल गया, दो बार आपके घुटने छिल गया, तो ते बार आप सोचेंगे नहीं इस बार, और घुटने घुटने को सिलने नहीं देंगे। ओके, थोबड़ा में खून निकालने नहीं देंगे, राइट, इस बार, और सही ढंग से चलाएंगे, इस बार गिरेंगे नहीं। तो ये बात होती है। तो ये बेवकूफ़ी वाला शब्द जो है उसको आप गलत मीनिंग ना समझ लें, उसको अपनी ज़िंदगी को ये सुधारने के लिए आप समझ उसको सही ढंग से ले, राइट, सही ढंग से ले, ठीक है। ये आपके ज़िंदगी का सवाल है, आपके ज़िंदगी का सवाल है, राइट। तो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये रहा आपके लिए आज के यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हमारे साथ रहे तो ऐसे कनेक्शन देके आपको हम सिखाएंगे अगले। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।